मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमयी महंगी और फेमस पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज्यादा लिखा पढ़ा रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग को मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। मोनालिसा कौन है, यह आज भी रहस्य है। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी इस पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, ना ही कभी बताया कि ये महिला कौन है जिसकी ये पेंटिंग बनाई गई है। कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। मोनालिसा का मतलब होता है माय लेडी। ये एक पेंटिंग नहीं बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने में अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले ये काफी ज्यादा दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे ये बिल्कुल फीके पड़ने लगती है, आखिरी में तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जब दूसरा वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया था ताकि जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश की जा चुकी है। एक बार एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था जिसकी वजह से बाएं बाजू पर इसका निशान पड़ गया था, बाद में इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक बार एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था जिसके बाद इसको एक बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखना पड़ा था। आपको क्या लगता है इस पेंटिंग के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइए।